कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ वन मंडल में नरवा विकास योजना के तहत अर्दन डैम का वर्चुअल रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया है, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता वन मंत्री मोहम्मद अकबर व कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद ज्योत्सना महंत थी। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल द्वारा वर्चुअल लोकार्पण नरवा विकास योजना के तहत मनेन्द्रगढ़ वन मंडल के भौता में बने अर्दन का किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण व कोरिया कलेक्टर कुलदीप शर्मा, डीएफओ लोकनाथ पटेल साथ फॉरेस्ट अधिकारी मौजूद रहे। वहीं भौता में नरवा विकास योजना के तहत 65 लाख के डैम का लोकार्पण सीएम के द्वारा वर्चुअल किया गया, जिससे 40 परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। कोरिया से कविराज विश्वकर्मा की रिपोर्ट। 210 मीटर है सर और ऊंचाई 10 मीटर है, लागत राशि 65 लाख है सर। इसका कैचमेंट एरिया 55 हेक्टेयर है सर, जिसकी संभावित एरिया का मान 32 हेक्टेयर है सर। इसमें लाभान्वित जो परिवार है सर, 40 परिवार प्रत्यक्ष से लाभान्वित होंगे सर। इसमें अनुमानित रकबा 30 से 35 हेक्टेयर। अन्य परिवारों को सर यहाँ निस्तार के साथ साथ मछली पालन की प्रचुर इसमें संभावना है सर। निर्मित अभयारण्य से लगा हुआ एक गोठान है सर क्षेत्र में, जो कि पशुधन हेतु लाभप्रद सिद्ध होगा सर। तो अगर महोदय माननीय महोदय से निवेदन है सर, अनुमति हो तो सर लोकार्पण के कार्य आपके अनुमति के अनुसार किया जा सके। तकनीकी दल से निवेदन है सर कि अर्दन डैम के लिए लाइव ड्रोन वीडियो प्रदर्शित करने का। उस खारी नाला में करीब 441 स्ट्रक्चर है और 15 किलोमीटर लंबाई की वो जो नाला है उसको उपचारित किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार से बोल्डर चेक डैम, बुरसकूट चेक डैम, गैबियन चेक डैम, एनीकट एम अर्दन डैम, इस तरह से स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। और उसमें से ये अर्दन डैम जो गांव की सीमा के पास था, राजस्व लैंड और फॉरेस्ट लैंड में, जिसमें कुल लंबाई उस अर्दन डैम की लंबाई 220 मीटर है और गहराई 10 मीटर था। और इस तरह से कुल कैचमेंट एरिया 55 हेक्टेयर है उनका, और उनसे 40 परिवार को 30 हेक्टेयर में सीधे प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं सिंचाई के।